फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर 2024 को लेकर हम बात करेंगे। टोटल अगर हम पदों की बात करें, देखो सबसे पहले जो पदों की बात हो रही थी ये 19 की बात हो रही थी। 2019 में जो पद थे सुपर टेट के लिए वो 17,000 बताए जा रहे थे। उसके बाद जो न्यूज निकल के आई थी वो 52,000 पदों की आई थी और अब जो न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है 45,000 प्लस पदों की। ठीक है, तो ये न्यूज सही है या फेक है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक अच्छी न्यूज ये है आपके लिए, देखिए नए सचिव जो हैं वो नियुक्त हो चुके हैं। नए सचिव और उप सचिव दोनों नियुक्त हो चुके हैं। दोनों के हम नाम बताएंगे कि वो कौन कौन क्या क्या नाम है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल समझ गए होंगे आप। जो 45,000 की जो चर्चा चल रही है ये मेरे हिसाब से चर्चा बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ठीक है, आप टेंशन ना लो, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। इस भर्ती में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि अब सचिव और उप सचिव जो है वो नियुक्त हो चुके हैं। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद आपको पता है सबसे पहले अब कराया जाएगा UPTET। UPTET का नोटिफिकेशन होगा आउट, UPTET होगा और UPTET के बाद ही हो पाएगा ये सुपर टेट। ठीक है, क्या BED को मौका मिलेगा? तो हाँ, हो सकता है कि भाई BED वालों को भी इसमें मौका दिया जा सकता है। ठीक है, मैं ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि BED को मौका मिलेगा ही, लेकिन BED को मौका दिया जा सकता है ऐसी सूचना निकल के आ रही है। तो आपने क्या देखा, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 की बात हो रही है, 52,000 प्लस पद। ये कुल मिला के जब भर्ती आएगी तो देखना आप 52,000 प्लस पद ही स्वीकृत होंगे। 45,000 की अभी चर्चा चल रही है, ये कुल मिला के 52,000 ही हो जाएंगे। 45,000 ये, 17,000 ये लगभग जाके गिरेगी बात 52,000 पे। ठीक है, तो सचिव का क्या नाम है और उप सचिव का क्या नाम है उसके नाम पे भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देखिए, ये आपके सामने नेम आ गए, डॉक्टर शिव मालवीय और नवल किशोर सिंह होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव और उप सचिव। तो देखो, नाम भी आपके सामने आ चुके हैं, कौन होंगे, डॉक्टर शिव मालवीय और नवल किशोर सिंह होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव और उप सचिव। ठीक है, तो आपने देख लिया, तो अब आराम से आप सोना नहीं है आपको। आपने अगर टेट या CTET पास हैं, अगर आप मान लो TET या आप कहूँ आपसे CTET या क्या कहें CTET अगर आप पास हैं तो आप सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। अब आपके पास बेहतरीन मौका है सुपर टेट की तैयारी करने में। कम से कम आपका 6 मंथ तो चाहिए, 6 महीने आपके निकल जाएंगे सुपर टेट की तैयारी करने में। आप हाथ पे हाथ रख के मत सोइए, आपको लगता है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती अवश्य आएगी, इस बात को आप ध्यान में रखिए। भर्ती आनी तय है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है, बस लेट हो सकता है। अभी मान लो 2000, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी मान लो जुलाई चल रही है, क्या चल रहा है, जुलाई 2024 चल रहा है। ठीक है, जुलाई 2024। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 2024 में ही भर्ती आ जाएगी, हो सकता है भर्ती 2025 में आए। ठीक है, क्योंकि 2025 ही हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले अब आएगा UPTET का नोटिफिकेशन। जब UPTET का नोटिफिकेशन आएगा, UPTET कराएगा, इसके बाद रिजल्ट निकालेगा, तो इसमें 3 से 4 महीने का समय तो इसमें ही लग जाता है। और देखो, जुलाई चल रही है, 7वां महीना तो आपका चल रहा है, तो इस प्रकार से 2024 तो आपकी गई। ठीक है, अब बचा आपका 2025 या 2026। 2025 से लेके और 2026 तक आपको सुपर टेट की भर्ती देखने को मिलेगी। तो देखो, आपको चाहिए 1 सीट। अगर आप सुपर टेट की 1 सीट लेना चाहते हैं तो आज से ही आप तैयारी में लग जाइए। अगर आप तैयारी में नहीं लगोगे, यही सोचते रहोगे कि वैकेंसी नहीं आएगी तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है,
इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप आराम से सुपर टेट की तैयारी करिए। देखिए हिंदी आपका कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, हिंदी की तैयारी करिए, मैथ की तैयारी करिए, इसके बाद आप बाल विकास की तरफ जा सकते हैं। इन सब्जेक्टों की आप तैयारी करके रखिए, जीके जीएस की तैयारी करके रखिए, ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाले हैं। कोई भी नियमावली अगर आती भी है तो नियमावली में इतने सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। देखिए मैथ जो है आपको आपका मैं आपको बता दूं, ये जो मैथ है ना ये मैथ नहीं हटने वाला, तो आप मैथ की तैयारी करके रखिए, मैथ के साथ साथ आप हिंदी की भी तैयारी करके रखिए, ठीक है। हिंदी के साथ साथ आप जीके जीएस की भी तैयारी करके रखिए, जीके जीएस की आप तैयारी 100% करिए, फुल तैयारी करके आप सुपर टेट की रखिए। सुपर टेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक ये न्यूज़ पहुंच जाए। बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।